तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर। जी हाँ, कुछ लीडर्स यहाँ पर हमको शुरू में मिल चुके थे और उनमें से एक थे अनिल गावड़े जी जो गाड़ी में थे। तो जब आप मोदी केयर में आते हैं उसके पहले आपकी जिंदगी घर, ऑफिस, फैक्ट्री, और जब आप मोदी केयर में आते हैं तो अनिल जी की तरह आपका घर हो जाता है गाड़ी, आपकी बाड़ी भी हो जाती, बाड़ी बंगाली में घर को बोलते, आपका घर हो जाता है गाड़ी। और जब भी देखे अनिल जी को तो वो रस्ते में होते हैं, बिकॉज मोदी केयर में जितने भी आप मंजिलें तय करिए ये मंजिलें बढ़ती रहती हैं, ये शौक आपका, ये नशा, ये और भी आगे चला जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम मिल रहे हैं मोदी केयर की सफलता को समझने के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप मोदी केयर की सफलता समझना चाहते हैं तो जरूर से चैट में डालिए यस यू वॉन्ट टू लिसन टू द सक्सेस स्टेप्स। अगर आप बहुत सफल है तो जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर संजीव बगड़िया भी बैठे हैं जो इंडिया के टॉप 4 में आते हैं इनकम अर्नर्स में, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, जिनका हमारा सौभाग्य है कि हम उनके टीम को बिलोंग करते हैं। थैंक यू संजय जी ये मौका देने के लिए मुझे कि मैं यहाँ पर आकर कुछ आपका ही दिया हुआ ज्ञान और आपका ही दिया हुआ डायरेक्शन सबके साथ शेयर कर सकूं। बता दो जो भी यस लिख रहे हैं ना वो मेरे को यस नहीं लिख रहे, वो यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि हाँ मुझे सफल होना है, एंड यूनिवर्स तथास्तु कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये यस लिखा है आपकी तो सब सपने अभी पूरे होने ही बने हैं। एंड चलिए आगे चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मेरे को एक सेकेंड का टाइम दीजिए। सफलता के कुछ सूत्र, हम कैसे अपने आप को सफल करें, लेट मी शेयर विद यू। दिखाई दे रहा है? Yes, आ गया मैम। Yes, पूरन जी दिखाई दे रहा है। फुल स्क्रीन कर लीजिए। Okay, so I need to close this for a minute। और हम जुड़े हुए हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से। एक ऐसा अद्भुत मार्केटिंग ये रास्ता है, एक ऐसा अद्भुत ये सीढ़ियां है जो हर लेवल पर आपको कुछ ना कुछ देकर चलती है। ये मत सोचिए मैं पैसों की बात कर रही हूँ, पैसे आपका साइड में बाय प्रोडक्ट है, ये ऑटोमेटिक आएगा, पर जो ये एक्चुअली देता है ये आपकी सोच, ये आपकी जिंदगी, ये आपके हर चीज का रुख बदल देती है। तो आइए चलिए मिलते हैं द फर्स्ट पॉइंट व्हिच सेज वेलकम। रियल लीडर्स डोंट क्लोज पीपल। हम आज बात करने वाले हैं कि हम जब लोगों से मिलते हैं, हम जब लोगों को मोदी केयर बताते हैं या प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो ज्वाइन क्यों नहीं करते, करते हैं तो काम क्यों नहीं करते हैं, काम करते हैं तो ठीक से क्यों नहीं करते हैं। ये सब आप जब भी काम करते हो, चाहे एक डाउनलाइन हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, इशू सबके साथ एक ही है। सो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है आप देखिए, जो रियल लीडर्स होते हैं वो क्लोज नहीं करते लोगों को, वो ओपन करते हैं लोगों। क्लोज करना तो बंद कर देना, ओपन करना असलियत का काम है। एक्सक्यूज मी प्लीज। सो वी नीड टू ओपन पीपल एंड माइंड को हमारे ओपन रखने से पता क्या होता है। मैं ये समझती हूँ कि आज आप ये समझने, आप ये सीखने आए हो बार बार कि जेनरेशनल वेल्थ कैसे आएगा, मेरे रहते और मेरे बाद भी ये पैसे मेरे बच्चों तक कैसे आएगा, मैं जो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस बिजनेस में क्या वो उसी परिमाण में मेरे को पैसे भी देगा। और अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि जितना टाइम उतना पैसा, तो जी हाँ आज आप राइट जगह पे हो ये समझने को कि ये कैसे हो सकता है। और बता दूं ये वैसे ही हो सकता है जितना आप सोच सकते हैं, पर चलिए उसको हम आगे समझेंगे कैसे होता है। चलिए ये हमको समझना है कि माइंड ना एक पैराशूट होता है, हम सब जानते हैं फिर भी नहीं समझ में आता। माइंड पैराशूट होता है, ये जब खुलता है तभी काम करता है। ये छाता है, जब बारिश हो रही हो अगर छाता साथ में है तो नहीं काम करेगा, छाता खोलेंगे तो ये जरूर काम करता है, ये बारिश में आपको बचाता है। और ये बेस्ट होता है जब ये खुल जाता है। और ये पता अभी एक और चीज समझना है, आज आपको पूरा माइंड खाली करके आना है। 2 सेकंड आंख बंद करिए, माइंड में जो भी है उसको खाली करिए, नया सामान आज डालेंगे। हमको बताया जाता था कि लोग उसके साथ जुड़ते हैं जिसको लोग अच्छा पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, राइट करेक्ट, पर
बट आजकल जमाना थोड़ा ज्यादा फर्क हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, नेट का जमाना आ गया, लॉकडाउन के बाद लोग होशियार हो गए, समझदार हो गए, गूगल का जमाना आ गया है, बच्चा भी मम्मी से बात करने से पहले गूगल करता है मेरी मम्मी ठीक बता रही है कि नहीं। एंड आज के दिन लोग ये जानना चाहते हैं, मैं जिसके साथ जुड़ रहा हूं क्या ये आदमी सही है, क्या क्या ये आदमी को सुनू कि नहीं सुनू, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, हम क्या करें? हम तो पहले सोचते थे अरे कमला जी मेरे को बहुत पसंद करती है, मेरे को ट्रस्ट करती है, इसलिए जुड़ेगी। पर आज की कमला जी ज्यादा स्मार्ट हो गई, ज्यादा होशियार समझदार हो गई, वो कह रही है नहीं भाई मुझे तो पहले ये बताओ क्या मुझे आपके साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं, यस और नो, क्या ये बात सही है कि नहीं, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं। पहले दुकानदार बोलता था मैडम ये साड़ी बहुत अच्छी है आप ले लो, सर ये मोबाइल बहुत अच्छा, आज आप क्या करते हो अपने मोबाइल पे गूगल करते हो बेस्ट फोन कौन सा है। अब आप कस्टमर नहीं, अब आप अवेयर कस्टमर हो गए हैं, तो किसको सुनना चाहिए, उसको जो सफल हो चुका है। तो सफल कैसे होना है, मुझ जैसा लीडर तो सफल है, पर डे वन से अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले तो FSP करिए, पहले महीने में FSP मारिए, पहले महीने में धन वर्षा मारिए। मेरे टीम में एक लेडी है जोनाकी दास, वो मेरे को खाली ये बोलती है पूनम तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी, दो तीन महीने हुए जुड़े हुए, दो महीने हुए, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी। मैंने कहा दीदी धन वर्षा करना है ठीक है, दीदी FSP करना है ठीक है। आज वो अपने आप सबको बोलती है तुमको पता है पहले महीने में मैंने धन वर्षा किया है, 1000 का चेक तो अलग से आया है, 3-4 हजार का चेक आया है क्योंकि मैंने FSP भी किया है। इसको बोलते हैं सफलता, 4 लाख को सफलता नहीं बोलते, 4 लाख सफलता वो होती है जो 4000 को पकड़ के रखता है। पर पहले महीने में जब आप झंडा गाड़ देते हैं उसको बोलते हैं सफलता। तो जब आप अपने ट्रस्ट अपने लाइकिंग को बढ़ाना है तो अपने एक्शन और कार्य क्षेत्र को और भी बढ़ाना होता है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्यों भी एक मिनट वेस्ट किया जाए, क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलता है कि बिल्ड करो टीम, क्यों ना फटाफट टीम बिल्ड की जाए। अच्छा मजे की बात है, आप 4 दोस्तों को ना रस्ते में मिलते हो, वो दुकान पे खड़े चाय की और वो कह रहे तू कहाँ जा रहा है, तो आप बोलते हो अरे ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, चल रहे हो क्या, एक एक करके बहाना बना देते हैं, अरे नहीं यार आज तो ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा कह रहा है अरे मेरे दोस्त की शादी है, तीसरा कह रहा है पापा ने फोन किया मैं जा रहा हूँ, चौथा कह रहा है कौन जाएगा यार पढ़ाई करने, चल तू जा पढ़ाकू कहीं का। मेरे एक लीडर है संदीप अधिकारी, बहुत अच्छा समझाते हैं, बोले एप्पल जब खा रहे कोई बोलता है मुझे एक बाइट एप्पल दो, एक घूंट दूध का दे दो, पर अगर आप लिकर की शॉप देखेंगे तो वहां बाहर तक लाइन लगी होती है, लॉकडाउन में भी लाइन थी, मास्क पहन के लोग खड़े थे लिकर की शॉप पे। तो जब आप टीम बिल्ड करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे आप दोस्त को बोलते हो पिक्चर देखने जा रहा हूँ, चारों दोस्त लग जाते हैं साथ में और दो को फोन कर देते तू भी आ जा पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो जब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, अगर उस टीम को आपने मजे से बिल्ड कर लिया, अगर उस टीम में आपने होशियारी समझदारी कर दी, तो आपका याद रहे लॉन्ग टर्म जो इनकम आना था वही टाइम इन्वेस्टेड विद इनकम, वो लॉन्ग टर्म इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है जितने लीडर्स आप डेवलप करते अपने टीम। मैं रिपीट करती हूँ, आप जितने लीडर्स डेवलप करेंगे टीम में उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। देखिए क्या कमाल का है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा बिजनेस क्या बोलते हैं, आप बॉस बन के रहिए, नीचे अपने ना कर्मचारी रखिए, यस और नो, आप मालिक बनिए, नीचे में अपने ना वर्कर्स को रखिए। वो भी क्या उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं काम करो फटाफट टीम बनाओ, उनको लीडर बना लो, FSP करा दो, धन वर्षा करा दो, श्रीलंका में लगा दो रेस में, एंड आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, जितने लीडर्स उतना बड़ा टीम और उतना बड़ा इनकम। बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको करने के लिए क्या करना है, तो MLM ट्रेनिंग क्लब में वो कहा जाता है, और आप देखिए वो छोटे में लिखा है फॉर्मल एजुकेशन विल मेक अ लिविंग। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन चाहिए जूम पे आइए, फॉर्मल एजुकेशन चाहिए आप अपने मीटिंग्स में आइए, आपकी एक आमदनी शुरू हो जाएगी 2-3-4-5 हजार। अगर आप खुद को एजुकेट कर पाए तो आप खरबोपति बन जाएंगे, ये गारंटी है, यू विल मेक अ फॉर्च्यून। ये फॉर्च्यून 500 बोलता है, जो वर्ल्ड के टॉप 500 कंपनीज या लोग होते हैं वो कहते हैं कि खुद के लिए एजुकेशन करिए, खुद को कमाना सिखाइए तो आप खरबोपति बनेंगे। अगर किसी और के भरोसे बैठते हैं कि वो पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, तो आप नॉर्मल लिविंग कर लेंगे।
एवरेज बस में चढ़ लेंगे, एवरेज लोकल ट्रेन पे चढ़ लेंगे, एवरेज घर में महीने का एक बार नॉनवेज आ जाएगा, एवरेज बच्चा एवरेज स्कूल में पढ़ लेगा, आपकी ही तरह उस आदमी की तरह एवरेज बन जाएगा। तो जो आप स्पेशलाइज करेंगे, एक बीच में लाइन लिखी है, ऐसा बनिए कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे। पीपल शुड क्वालिफाई टू वर्क विद यू। आपको ऐसा काम करना है कि लोग बोले अरे वो जो जा रहे ना लीडर, मुझे उनकी तरह बनना है, उनके टीम में जुड़ना है। आपका नाम लेकर वो आने चाहिए। क्यों वो आपके पास आएंगे? वो तभी आएंगे जब आप में कुछ खास होगा। वो खास क्या है? सेल्फ एजुकेशन। वो खास क्या है? संजय बगड़िया बनने की कोशिश करिए। पूरे इंडिया में एक संजय बगड़िया जी की टीम है जो बॉन्डिंग में चलती है, टनाटन काम करती है, जैसा भी माहौल हो टीम बहुत अव्वल नंबर पे परफॉर्म करती है। गाड़ियों पे गाड़ियां नहीं आती, अब लग्जरी कार एक के बाद एक आ रही है, हर महीने एक गाड़ी आ रही है, चाहे वो पिछले महीने रंजीत जी की थी या अगले महीने चाहे वो राजा साहा की हो, पर ये टीम संजय बगड़िया है। संजय जी की तरह सेल्फ एजुकेशन करने की पूरी कोशिश मत करिए, लग जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रहे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यानी कि हर लेवल पे आपको अपने आप को ही सुधारना है, अपनी एजुकेशन को ही बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है एक बार फिर लिख लीजिए लाइन को, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो सबसे पहला होता है आर्ट ऑफ इन्विटेशन। अच्छा, किसको इन्वाइट करना होता है मालूम है आपको? इन्वाइट पहले खुद को करना होता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ये बिजनेस पहले अपने आप को इनवाइट करने का। बॉस पहले अपने माइंड को इनवाइट कर लो कि मुझे मोदी केयर में जिंदगी भर रहना है। ये 2-3 साल ट्राई करने मत आइए। कोई कितने लोगों ने शादी की है मुझे नहीं पता, पर आप लोग में से कितने लोगों ने फेरे लेने के टाइम कहा था पंडित जी से 2-3 साल ट्राई करने आ रहा हूं बॉस, पापा को बोल दिया नहीं चला तो छोड़ देंगे। ये जिंदगी भर का इन्विटेशन है। एंड कुछ टिपिकल जो होने चाहिए फॉर्म, फैमिली पूछ, 3 मिनट की कॉल करिए अपने दोस्त को एंड उनको आपको खाली ये बोलना है गुड मोदी केयर मॉर्निंग, खाली ये बोलना है गुड मोदी केयर मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे आपको खाली बोलना है हाय संदीप आप कैसे हैं, मैं पूनम बोल रही हूँ, याद है हम एक बार मिले थे मेट्रो स्टेशन पे, तो मेरे को आपसे ऐसे मिलना था, मैं जा रही थी उत्तरपाड़ा, सोची कि मैं ना आपके एक कप चाय पीने आ जाऊं, आ जाऊं ना यहीं से, हाँ आ जाइए। अच्छा ये बताओ फैमिली में अभी मम्मी कैसी है आपकी? अच्छा, और छोटा भाई और उनकी वाइफ कैसी है? ओके ओके ओके, हो गया। आपका काम कैसा चल रहा है? इस काम तो ठीक चल नहीं रहा है। ओ, काम में पढ़ना चाहिए कि काम कैसा चल रहा है उनका, तभी तो आपको मौका मिलता है आगे बोलने के लिए। फिर आपको बोलना है कि अच्छा आप हॉबी में क्या करते हो, रिक्रिएशन, फ्री टाइम में क्या करते हो? बोले फ्री टाइम में तो उत्तरपाड़ा घूम लेता हूँ, मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो थोड़ा इंजीनियरिंग पे पढ़ लेता हूँ, मुझे सप्लीमेंट्स का बहुत इंटरेस्ट रहता है, मैं सप्लीमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ मोदी केयर उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उनको पूछना है कि क्या आपको लगता है संदीप जी पैसे जरूरी है? तो वो क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है वो क्या बोलेंगे? हाँ पैसे जरूरी है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो चलिए छोड़िए मैं आ रही हूँ उत्तरपाड़ा आपसे मिलने, तब बात करेंगे, दैट्स ऑल। 3 मिनट की कॉल घड़ी देख के होनी चाहिए। आज पुष्पा जी ने कहा था संजय जी को कि सर मेरा जो इंट्रोडक्शन मैं कर रही हूँ वो 3 मिनट का है, उन्होंने कहा उसको काट के 1 मिनट करनी है। फैंटास्टिक, 30 सेकंड्स हो गया, मैं चेक कर रही थी। थीम बेस्ड इवेंट पे इनवाइट करिए। जब आप इनविटेशन कर रहे हैं फोन पे, पहले खुद को इनवाइट कर लिया उनके घर पे, क्योंकि जनरली देखा गया प्रोस्पेक्ट आपके घर में आने में आनाकानी करते हैं, आप उनके घर चले जाएंगे। अब उनको अगली बार बुलाना है या पहली बार बुलाना है तो आई विल टेल, अरे पुष्पा जी आप कैसे हो? शी सेज मैं ठीक हूँ। पूनम जी आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाई, मैं कह रही थी कि मेरे घर पे ना फेशियल होने वाला है और मेरे को 3-4 लेडीज को इनवाइट करना था, तो आप किसी को जानते हो क्या जो आ सकते हैं? तो पुष्पा जी क्या बोलेंगी, मैं नहीं जानती किसी को। शिल से मैं जानती हूँ, मैं खुद ही हूँ, मेरे को बुला लो आप। तो मैं उनको बोलती हूँ पर 3-4 लोग को बुलाना, वो कहती चिंता मत करो एक तो मेरी फ्रेंड आ जाएगी और एक दो आप बुला लो, हो गया। थीम बेस्ड इवेंट पे आप जिसको भी बुलाएंगे वो आ जाएंगे। जेंट्स है तो आप उनको बोलिए, अच्छा सप्लीमेंट्स के ऊपर ना कोई मेरे को बताने आ रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, तो आप अगर आ जाते ना, आस्क फॉर हेल्प। थर्ड पॉइंट, प्लीज हेल्प मी, संदीप आप तो एक्सपर्ट हो सप्लीमेंट में, मेरे घर पे कोई आ रहे हैं सप्लीमेंट बताने, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, प्लीज आ जाओ ना, नर्वस हो जाती हूँ मैं। आप बैठेंगे ना तो थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी, समझ के मुझे समझा दीजिए। इजी इसे, हाँ मैं आता हूँ। हेल्प करने के लिए हर कोई रेडी हो जाएगा, आपकी हेल्प करने के लिए, खुद की हेल्प के लिए किसी को जरूरत नहीं है।
वो ऑलरेडी जी रहे, दाल रोटी चल रही है उनकी, आपकी हेल्प करने लोग आ जाए। कुछ टाइम रिजेक्शन आएगा ये तो गारंटी ले लीजिए। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पर जो फ्लाइट में गए हैं, ट्रेन में गए हैं, बस में गए हैं, ऑटो में गए हैं, कितने लोग? हाउ मेनी? मुझे तो पुष्पा जी का ही अफकोर्स खाली आप दिख रहे हैं। मंटू लाल जी गए हैं क्या कभी भी ट्रेन बस फ्लाइट में? तो क्या पहली बार में ही आपकी ट्रेन बस फ्लाइट आ जाती है? वो क्या बोलती है एयरपोर्ट पे, लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी फ्लाइट 9:20 पे आएगी जाएगी, तब तक आप वेट करें लाउंज नंबर 21। तो क्या आप सोचते हैं अरे नहीं छोड़ो 8 भी एक फ्लाइट निकल गई, 8:30 भी फ्लाइट निकल गई, ये 9 वाले भी निकल गए, 9:15 वाले भी निकल, 9:20 वाले निकल गए, 9:21 मेरी तो फ्लाइट जाएगी नहीं, छोड़ो घर चलते। आप क्या जानते हो कुछ टाइम तक रिजेक्शन चलेगा फिर मेरी फ्लाइट का नंबर है। तो देयर विल ऑलवेज बी फ्यू टाइम रिजेक्शन, इट्स ओके। आप भी कस्टमर हो, आप जब सब्जी मार्केट ही जाते हो तो आपको चाहिए फूल गोभी, पर आप 4 मना कर देते हो, नहीं रे अभी नहीं चाहिए बाद में देखते। आप 5 जाते हो, 5वीं माइंड मेकअप करते हो तब आते हो। आपका काम है कीप इनवाइटिंग। आपको पता है जिन क्या लड़कों की या लड़की की शादी होती है, एक निमंत्रण 5 जाता है, पहली बार फोन जाता है संजय जी मेरे बेटी की शादी है आप जरूर आइएगा, हाँ जरूर जरूर। फिर अगली बार फोन जाता है संजय जी घर पर है क्या, मेरे बेटे की शादी का कार्ड है आपको देके आना है, इसे हाँ जरूर जरूर आइए, कार्ड जाता है, लड्डू जाता है, सब जाता है, फिर भी संजय जी का माइंड सेट नहीं है। फिर फोन जाता है संजय जी याद रखिए महीना ही बचा है बस, अरे आप नहीं आएंगे तो कहां से हो जाएगी शादी, सगाई पे तो आपको आना ही है। कीप इन वाइटिंग, इसे सगाई पे नहीं आ सकता तो कैसे चलेगी वैसी बात, सगाई के बिना, आपके बिना तो सगाई नहीं हो सकती, वो तो आपको चाचा जी बोलते पैर छू के आपके तभी शादी करेगा वो तो। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, देखना वेखना नहीं है जो बोलो तो गाड़ी भेज देंगे, आपको आना ही है, ऐसे ही होता है ना। फिर चौथा इनविटेशन जाता है, सर कल को सगाई है आना है, और यू नो आपकी लिस्ट होती है इंपॉर्टेंट लोगों की, उनको आप 5 इनविटेशन नहीं दिया तो लेडीज एंड जेंटलमैन वो शादी में नहीं आएंगे, ये याद रहे। तो कीप इनवाइटिंग, नो प्रॉब्लम, इनवाइट करने में क्या जाता है, सारा दिन फोन आपके पास है, फ्री कॉलिंग है, कीप इनवाइटिंग। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जितनी बार आपका प्रोस्पेक्ट आपको मना करेगा ना उतनी बार अच्छा है, मालूम है क्यों? क्योंकि वो प्रेशर में आ जाते हैं, यार पहली बार मना कर दिया, फिर मना कर दिया, फिर मना कर दिया, ओहो 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 आपकी बार हाँ करना ही पड़ेगा। जब वो प्रेशर में हाँ करके आता है तब वो प्रेशर में है, तब उसके ऊपर आपका हाथ का दबदबा चल रहा है, तब वो काम आपका बनेगा। ये याद रहे कि अच्छा 2-3 रिजेक्ट कर भाई तू, तभी मजा आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आप क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देखिए ये सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो सबसे पहले तो ना ड्रेस ढंग की होनी चाहिए, फिर ही आप एड्रेस कर सकते हैं। पहले तो आप ड्रेस ऐसा करिए कि वो, जब आप अच्छे ड्रेस पहनते हैं तो आप दो काम करते हैं, आप ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं कि जी मैं आपके लिए अच्छे से ड्रेसअप होकर आया हूँ या आई हूँ, और आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं ऐसी हूँ। तो सबसे पहले तो लोग आपको तभी सुनेंगे जब आप अच्छे से ड्रेस करते हैं। फॉर्मल्स पहनिए, कभी भी कैजुअल मत पहनिए, प्लीज डोंट कम इन अ टी-शर्ट एंड उसके ऊपर जैकेट, प्लीज नेवर नेवर नेवर। आप जब भी एज लेडीज भी सूट साड़ीज पहने तो एकदम फॉर्मल, जैसे कि अभी एकदम शादी में जा रहे हैं, तो आपका जो इफेक्ट आएगा बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। बी पंक्चुअल, जो लोग लेट आते हैं उनके लिए जिंदगी में कोई जगह नहीं है, ट्रेन छूट जाएगी फ्लाइट चली जाएगी। लड़की की शादी में अगर आप देर से पहुंचेंगे अपनी शादी में तो आपकी शादी नहीं होगी, मुहूर्त निकल जाता है, यू नो दिस। आपको पता है कोई अगर हार्ट अटैक आ रहा है उसको अगर टाइम से आप हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो उसका उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती। बी प्लेजेंट, बी स्माइलिंग, जितना आप हंसमुख रहेंगे, जितना आप खुश मिजाज चेहरा दिखेगा उतना लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। जितने गंभीर दिखेंगे, हाँ जी ऐसा है कि मेरे को ना आपसे बात करनी थी, और कौन बात करेगा आपसे। और जितना आप स्माइल करते हैं बिना बोले वो बोलते हैं छोड़िए ना पूनम जी जो भी बात है आप जो बोल रहे हैं ना हम रेडी, आप खाली बताइए क्या करना है। स्माइल में इतना पावर होता है। एक डॉक्टर जो आपसे कह रहा है बैठ जाइए इंजेक्शन लगेगा, लगवाएंगे? और एक कह रहा आओ आओ बैठो दोस्त, चॉकलेट बाकी है पिछली बार की, चलो चलो बैठो बैठो। और बताओ आप कहते डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं ना घर खुरा के नक्की करो, इट्स ओके। किस फॉर्मूला बोलकर एक होता है, जो मेरे को पहला ट्रेनिंग मिला था, इट वॉज अ किस फॉर्मूला।
इट मींस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. छोटा रखिए जो बोल रहे हैं आप, एंड मीठा रखिए उसको. हमारी मदर बोलती थी, कबीर जी का दुआ है, गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात दे दे. ये मत दो कि गुड़ ही देना है, खाली ये बोल दो हर कुछ मत कैसे हो आप, आपके बिना ना चाय का मजा ही नहीं आ रहा. सैटरडे को इस बार आएंगे ना, एक साथ चाय पिएंगे, दैट्स ऑल. गुड़ देने की जरूरत नहीं है, गुड़ जैसी बात दे दीजिए. तो जब आप किसी के यहाँ जाते हो प्रेजेंटेशन करने, तो फर्स्ट थिंग यू कैन से इज हेलो, कैसे हो रीटा दी, अरे इतने दिन से आपको मिस कर रही थी, एक हाग दे दूं क्या मैं आपको, कितने अच्छे हो आप, आपके घर की जो ये खुशबू आती है ना, आई लव दिस. बस दिस इज इनफ. इनफॉर्मल ड्रेसिंग ऐसी होती है, फॉर्मल ड्रेस कोड राइट हैंड पे ऐसा होता है जिसपे टिक मारा. आप देखिए, खुद ही देखिए, आपको मन कर रहा है उसको सुनने का जो निकर में बैठे खड़ा हुआ है, हाफ टी शर्ट, लुक एट दैट टी शर्ट एंड पैंट्स, लुक एट दैट. जबकि रेड वाले ने अच्छा टी शर्ट एंड अच्छे ट्राउजर्स पहने, फिर भी नहीं अच्छा लग रहा. और जैसे आप इन तीन को देखते हैं, मस्त मजा आ जाता है, मन करता है इनको देखने का बार बार, नजर वही जा रही है बार बार. अब इसको देखिए, मैंने क्या कहा था, किस सामने वाला है आप प्रेजेंटर, पीछे बेचारा प्रोस्पेक्ट. अब देखिए मजा, आपके साथ तो वो बैठ तो गया था, फिर आप धीरे धीरे फूलते गए. पहले आपने कंपनी प्रोफाइल बताना शुरू करा, पहले आपने 5 मिनट बोला था, फिर आपने डेमो दिखाया, फिर आपने और भी कुछ बताया, फिर आप अपने बारे में शुरू हो गए, फिर अपलाइन के बारे में बोलते गए, बोलते ही गए, फिर आप ना डेमो पे चलते ही गए, चलते ही गए, चलते गए, फिर आपने पता नहीं क्या क्या और ठूस दिया उसके अंदर, आप भूल गए, बेचारा प्रोस्पेक्ट पकड़ ही नहीं पा रहे. क्या होएगा इसका, क्या हो रहा है इसका, क्या हालत हो रही है, गया वो तो काम से, नीचे गिरेगा मोटरसाइकिल से, एक्सीडेंट खत्म. और आप कह रहे हैं जानी ना, पता नहीं कहाँ गया मेरा प्रोस्पेक्ट, पीछे ही बैठा था अभी तक तो, पकड़ के बैठा था मेरे को, गायब ही हो गया. अजय वो गायब नहीं हुआ, गिर गया वो तो, इतना चौड़े हो गए आप, इतना फूल गए आप, वो तो आपको पकड़ ही नहीं पा, गिर पड़ के कहाँ गिर गया बेचारा, वो तो चप्पल कहीं वो कहीं टिंग टोंग हो चुका है. 30 मिनट से ज्यादा बोलना नहीं है, फेरे भी जब ज्यादा लंबे हो जाते हैं ना, तो दूल्हा क्या करते हैं, दूल्हे के जो जीजा जी होते हैं, वो पंडित जी को ना 500-1000 रुपया पकड़ा देते, पंडित जी शॉर्ट में करिए, इतना नहीं बोलना है, घर भी जाना है, अभी फेरे खत्म होंगे, और दूसरी रस्में हमारी पड़ी है, अंगूठी ढूंढने की रस्म है, द्वार रुकाई होगी, आप लगे पड़े हैं अपनी फुली ना समारे, सारा संस्कृत यही भूल देंगे आप तो. पंडित जी भी होशियार पैसों के लिए, पर यहाँ तो प्रोस्पेक्ट पैसे नहीं देगा, चला जाएगा, उसको ढूंढेगा जो पतला दुबला मोटरसाइकिल पे होगा, जिसके कमर में अच्छे से हाथ रखेगा, स्टाइल से बैठेगा, एंगल मारेगा, सेल्फी लेगा और चल देगा. सो यू हैव टू बी अ वेरी स्लिम प्रेजेंटर, यू कैन बी अ चौड़ा प्रेजेंटर. मस्त गिरी जाएगा कहीं पे ये. तो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन में पहले तो अपने प्रोडक्ट्स को जानिए, प्लान के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है. लेडीज एंड जेंटलमैन, शादी के पहले कोई सास अपनी बहू को नहीं बताती, बेटा ये रसोई घर होगा, वहां पे ना पंखा नहीं है, और सारा दिन तेरे को ना चूल्हे पे रहना है, तेरी ननद भी साथ में रहेगी, वो चुड़ैल है, और जो तुम्हारे हस्बैंड है वो उसको 24 घंटा खाने को चाहिए, और मेरे तो तू पैर बिना दबाए सोना नहीं है, ऐसा बताने से शादी होगी? प्लान तो बताना नहीं है, देयर इज नथिंग टू टेल अबाउट द प्लान, फर्स्ट नो योर प्रोडक्ट्स, देन यूज द प्रोडक्ट प्लीज, देन शेयर द प्रोडक्ट. आइए एक और मजेदार फोटो देखते हैं. आज थोड़ा मजेदार ही प्रोग्राम होने वाला है लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कुछ सीरियस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आप हम अपने एक अपने आप को ही देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खुद को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही हूँ यहाँ पर. आयशा आप स्माइल कर रही हैं, ओके, सो ऐसा लग रहा है शायद कि मैं खुद को ही देख रही हूँ. पुष्पा जी काफी इंजॉय कर रही है. ये देखिए, पढ़ के बताइए क्या देख रहे हैं. एक ठेला, उस पे ठेले वाला, और क्या रखा हुआ है वहां पे, फल, आम रखे हुए. फोटो में पोस्टर में क्या लिखा लगा उसने, ग्रेप्स 20 ग्रेप, वो भी एक ग्रेप, ग्रेप्स भी नहीं है, 20 रुपए का आम. कितने का बिकता है, 20 रुपए का, 100-150 रुपए का आम है, और ये ग्रेप्स हैं, अंगूर है, ये आम है. पहले तो उसको प्रोडक्ट ही नहीं पता है, फिर उसको पोस्टर भी नहीं पता है, बैठा है कि कोई आ क्यों नहीं रहे, सुबह से बैठा हूं, एक भी आम नहीं उठ रहा. लल्ला जी आम तो उठेगा ही, उसके ऊपर आपने पोस्टर ही गलत लगा रखा है, और आप आम के ऊपर बैठे हुए, कौन आएगा इस गंदे से ठेले पे लेने के लिए, कैसे बैठे, बॉडी लैंग्वेज देखिए. तो अगर आपकी भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है डेमो के टाइम, देख लो, ले लो,
ये बहुत अच्छा डिटर्जेंट है वॉशमेट, मेरे सामने एक बार पुष्पा जी डेमो चल रहा है, अरे वॉशमेट क्या प्रोडक्ट है, इसको जब आप यूज करते हैं ना फैना ही फैना बनता है। तो वो कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे को एक दोस्त ने दिया था वॉशमेट डिटर्जेंट, बल्कि हमने इसलिए ज्वाइन नहीं किया मोदी केयर, उसमें फैना ही नहीं बनता है। बोले क्या बोल रहे हो, मेरे घर में तो फैना ही फैना बनता है। अभी वो कह रहा तू ही कर ले फिर वॉशमेट का, तू ही कर ले धंधा बिजनेस मोदी केयर का। He was right. वॉशमेट में फैना नहीं बनता है, वॉशमेट लो फोमिंग है, टू सेव योर वॉटर, टू सेव योर फैब्रिक फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। विदेश में जितना भी डिटर्जेंट बिकता है लो फोमिंग बिकता है, आपको अपना प्रोडक्ट ही नहीं पता। आम बेच रहे ठेले पे लगा रखे ग्रेप्स 20 रुपीज, ग्रेप्स भी नहीं है सिर्फ ग्रेप है। ओहो अच्छा, कई लोग बोलते हैं आपको ना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं स्पाइस एंड स्पैन, ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है मुझे पता है। स्पाइस मसाला होता है, स्पिक एंड स्पैन है, अब वो कह रहे स्पाइस एंड स्पैन। कितनी बार कौन सा प्रोडक्ट समझाया गया है मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब किसी ने ये भी समझाया था लॉकडाउन के टाइम में मेरे सामने जूम पे, स्टेरिक्लीन, हमारा स्टेरिक्लीन वायरसाइड जर्मिसाइड फंगिसाइड है, इसलिए हम कहते हैं कि दो बूंद अगर आप पानी में मिला के पी लेंगे तो आपको कोविड में कोरोना वायरस से बचने का पूरा मौका मिलता है। अब मैं बीच में बोल रही हूँ एक्सक्यूज मी, ये वायरसाइड नहीं है, प्लीज डोंट ड्रिंक स्टेरिक्लीन। बट इफ यू डू नॉट नो योर प्रोडक्ट यू आर इन अ रॉन्ग ट्रेन लेडीज एंड जेंटलमैन। सो आइए चलिए चलते हैं, याद रहे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, हर लेवल पर चेंज होता है। अभी भी अगर आपने किसी को बुलाना है आप अभी भी बुला सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ दिलचस्प बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट, अच्छा सारा काम हो गया, प्रोस्पेक्ट ऐसे मिलेंगे आपको ये आपके बिल्कुल विपरीत होंगे, आपको जो चाहिए ना उसका ऑपोजिट होगा। एक तो वो समझेगा नहीं आप क्या कह रहे हैं, समझेगा ही नहीं वो, आप कह रहे हैं इसमें ना तुमको टाइम फ्रीडम मिलेगा, ही स्टार्ट्स टेलिंग यू मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आप उसको बोलते हो पता है इसमें पैसे आएंगे, ही सेज मेरे पास पैसे नहीं लगाने के, ऐसे होता है ना। आप इसमें बोलते हो आप टीम बनाओ क्या मस्त काम होगा, ही सेज मेरे पास लोग ही नहीं है जो जुड़े। मेरे को एक आदमी ने कहा था मैं 3 लोग को जानता हूँ, मेरे नौकर को, मेरी पत्नी को और मेरे बेटे को। मैंने कहा सर और किसी को नहीं जानते, बोले नहीं और किसी को नहीं जानते। They will live happily in compromise. अभी इसका भी एक फोटो दिखाती हूँ मैं आपको, हैरान हो जाएंगे आप फोटो देखकर कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। जी हाँ ऐसे लोग हैं दुनिया में, They will live happily in compromise. बहुत खुश है। और ये जो लैम का खून होता है, लैम माने भेड़िया है ना पुष्पा जी, हिंदी में लैम भेड़िया होता है, हिंदी में लैम को क्या बोलते हैं, शीप को, शीप को क्या बोलते हैं, भेड़िया, भेड़िया, गूगल चेक करके बताओ। ओके तो चलिए एक पिक्चर देखते हैं पहले, ये देखो क्या गजब का पिक्चर, वाह मैंने पानी भर गया घर में, आराम से बैठी है। अच्छा एक लड़की तो और भी होशियार, उसने पैर ऊपर कर लिए है कि जी जब तक पानी और नहीं आता ना तब तक मेरे पैर नहीं भीग रहे, और सारे बैठ के मंत्र मुग्ध होकर टीवी देख रहे उस गंदे पानी में पैरों को रखकर। कॉम्प्रोमाइज का ये माँ है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल कॉम्प्रोमाइज। कोई फर्क नहीं पड़ता घर में एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मछली और भात नहीं चल रहा बंगाली को, या दाल चावल चिकन नहीं चल रहा पंजाबी को, कोई फर्क नहीं है, हम जी लेंगे। हम अब तेरे बिन जी, वो गाना ना अब तेरे बिन जी लेंगे, हम जी लेंगे अब तेरे बिन, हम पैसों माँ लक्ष्मी आपके बिना हम जी लेंगे, चैन की जीने जिंदगी जी रहे। घर अच्छा भला है, देखिए बड़ा घर है, पीछे दरवाजे हैं, दो दो तीन बेडरूम का घर है ये, कॉम्प्रोमाइज की तो वाट लगा दी। ये सर ना, और आपको ऐसे ही प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। ये देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर ऑपोजिट टू व्हाट यू वांट, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, दे विल लिव हैप्पीली इन कॉम्प्रोमाइज। अभी देखिए आप उसको कह रहे भैया तू तो इतने भारी पत्थर ढो रहा है, तेरी गाड़ी में जो चक्के लगे हुए है वो स्क्वायर है, तेरी जिंदगी बस में टक्के खाने में लग गई है, तो जॉब कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, तो गलत जगह है, तो उसको चलाते चलाते वो जो पत्थरों का बोझा है, तेरी मदर का ध्यान रखना बीमार है, तेरे फादर के चश्मे बदलवाने हर 6 महीने में, तेरे बच्चे की फीस देना, तेरी वाइफ को जो बार बार सामान चाहिए होता है घर के लिए, ये सब पत्थर है तू ढो रहा है, ऐसा कर गोल चक्के लगा ले। तो वो क्या कह रहे हैं, नो थैंक्स वी आर टू बिजी, हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, आप खड़े हैं गोल चक्के लेके कि भाई ये लगा लो,
तो चक्के भी चलेंगे, आपको टाइम आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, सब हो जाएगा। और वो कह रहे नो 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 थैंक यू वेरी मच। अब आइए सुनते हैं वो स्टोरी। याद रहे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग। स्टोरी सुनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में हाँ लिखेंगे तभी सुनेंगे। यस मैम। पुष्पा जी आप सबके बिहाफ पे यस बोल रहे, कोई नहीं लिखेगा फिर यस। ओके तो एक बार ना, ये ट्रू स्टोरी है पुष्पा जी, एक बार एक फार्मिंग विदेश की कहानी है ये, और वहां पे बहुत सारे भेड़िए रहते हैं। इन लोग इसको जहाँ सर्दी का वेदर होता है वहां पे इनको ग्रो करते हैं, जिससे कि उनके बॉडी का जो वुल होता है, वुल को निकाल के वो ऊन के कपड़े बनाते हैं भेड़ियों का। भेड़िए नहीं मैम, भेड़। भेड़ भेड़ और वो जब ऐसे हिलता ना उसमें रैटलिंग की, बच्चे के झुंझुने की आवाज आती है, गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़। एंड वो वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस सांप होता है दुनिया का, दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में एक होता है वो। और उसका काम है अगर उसने मार दिया तो वो आदमी बचता नहीं, उसके मरे उसके काटे का बचता नहीं। तो वो बता रही थी वो लेडी जिसका फार्मिंग हाउस था ये, कि भेड़िये ने सांप ने भेड़ के मुंह पे डंक मारा और मुंह इंस्टेंटली फूल गया, पूरे खून में उसके वो जहर फैल गया। सेकंड्स लगते हैं जहर को फैलने में, पूरे इंस्टेंटली उसके मुंह फूल गया, जहर फैल गया। सांप बड़ा खुश कि मैंने भेड़ को डंक मारा, पर सांप को ये नहीं पता था कि ये भेड़ को मैंने डंक मारा है उसके खून में क्या है। भेड़ के खून में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिससे कि एंटीवेनम बनता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जहर को मारता है जो, वो दवाई भेड़ के खून से बनता है। अगर किसी ने सांप ने काट लिया, हॉस्पिटल होता है वहां जाइए, एंटीवेनम इंजेक्शन लगा देते हैं वो और उससे आदमी बच जाते हैं। तो वो भेड़ के खून में वो इंग्रेडिएंट होता है। अब भेड़ का तो मुंह फूल गया, बुरी तरह से उसको दर्द हो रहा है, दो दिन तक खुद तड़पा है वो। पर जो मालिक थी, मालकिन और मालिक, वो लिख रहे हैं कि वो बड़े परेशान थे, क्या होगा क्या होगा, इसका क्या होगा। भेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना खाना भी खा रहा था घास, वो ऊपर पहाड़ों में भी चढ़ रहा था, सो रहा था आराम से चैन से। उसको पता था कि उसका खून ठीक है और दो दिन के अंदर वो खून अपने आप जहर को मार देता है। एक डोज में ही मर जाते हो तो पूरा खून ही उसका था। भेड़ को फर्क नहीं पड़ना था। ये याद रखना है कि सांप का तो ना सांप से डरना है ना उसके डंक से, वो तो सांप तो डंक मारेगा ही मारेगा। आपको ये याद रखना है कि मेरे को, मेरे अंदर जो खून है वो भेड़ वाला खून होना चाहिए। जितना भी कोई ना बोले, जितना भी कोई रिजेक्शन दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अपना काम कर रही हूं। मुंह फूले, दिमाग खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाउ डज इट मैटर, यू हैव एंटी वेनम इन योर ब्लड। आपके बदन में वो खून है जो सांप के खून को निगेट कर सकता है, जीरो कर सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ लैम्स ब्लड। याद रहे आपके बदन में कौन सा खून दौड़ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरा तो खत्म ही नहीं हो रहा, टाइम दौड़ रहा है। ओके सो पॉलिश योर लीडरशिप। अगर मेरे को कुछ अच्छा काम करना है तो मुझे क्या करना है, मेरे को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ना डाउनलाइन सुन रहे ना प्रोस्पेक्ट सुन रहे, तो क्या करूं, पहले तो अपनी अपलाइन को सुनना सीखे। वो जो बोले ना एकदम गीता का ज्ञान मान के, कोई भी होली बुक हो, चाहे वो कुरान हो चाहे गीता हो बाइबल, उसको मानिए, उसके साथ साथ तर्क मत करिए। आप एक बार तर्क, दो बार तर्क, तीसरी बार अपलाइन बोलेगा ही, बोले बहुत तर्क करता है, छोटो दिमाग खराब करता है, नेगेटिव कर देता है मेरे को, इससे तो अच्छा मैं दूसरे डाउनलाइन से बात कर लूं। लिसन टू योर अपलाइन, लर्न टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इस पे भी एक अच्छी फोटो दिखाऊंगी मैं आपको, लर्न टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अकेले काम करना सीखिए, इसका ये मतलब नहीं अपलाइन को छोड़ दो, अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को सिखाओ, बीच में कमाओ, पर इंडिपेंडेंटली काम करो और अपने आप को एक चुंबक बनाइए। आपने बचपन में देखा होगा चुंबक होता था हमारे हाथ में और एक बड़े चुंबक थे, हम उसको घसते थे, घसते 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 थोड़े दिन बाद वो कमजोर चुंबक स्ट्रांग हो जाता है। तो अपलाइन के साथ रहिए, सीखिए, जाके अपने मीटिंग्स करिए और अपने आप को चुंबक बनाइए। कैसे, ये देखिए, आप खुद ही ऐसे हो रखे, आप खुद ही ऐसे हो रखे। अपलाइन कह रहे काम करो, गोल चक्के लगा लो। एक काम करो,
ये ग्लोब रख लो अपने घर में, तो एक तो ये काम करेगा एंटी रेडिएशन का, ऊपर से जो आएगा वो देखेगा तो आप तुम्हारा ग्लोब भी बिक जाएगा। मोदी केयर का मैजिक कॉर्नर बना लो, योर टेलीग्राम अपलाइन, प्लीज रहने दो, मुझे ज्यादा अक्कल है। मैं अपने चार प्रोडक्ट लिए, कौन लेगा ये ग्लोब, मैं अपने चार प्रोडक्ट पत्थरों की तरह लेके डो डो के स्क्वायर वाले चक्कों में जाऊंगा और मीटिंग करके आऊंगा, और वही मोटरसाइकिल वाला फूल के बनाऊंगा प्रेजेंटेशन। बेचारा अपलाइन चुपचाप खड़ा गोल चक्के लेके आपके लिए खड़ा ही रह गया। ये देखिए एक और पिक्चर, ये तो बहुत ही गजब का ही है। ये लेडी ने रिक्शा से अपने बोर्ड को लगा दिया, स्केटिंग बोर्ड को, और खुद उस पर बैठ गई कि जी मैं तो फ्री की राइड ले रही हूँ। अपलाइन को पकड़ लिया, अब वही मीटिंग कर देगा, वही प्रेजेंटेशन कर देगा, वही क्लोजिंग कर देगा, फॉलो अप भी वही कर देगा, और वही FSP करा देगा उसकी, मैं तो बस पीछे पीछे चल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन होगा क्या, जिस दिन अपलाइन ने रिक्शा रोकी उस दिन तो पहले आप भिड़ेंगे रिक्शे के अंदर में, पीछे की जो रिक्शा आ रही है वो आपके ऊपर से निकल जाएगी और आपका काम वहीं रुक जाएगा। और अगर आपने हाथ छोड़ा गलती से स्पीड में तो आप कहीं और ही जाके जोर से गिरेंगे। इससे अच्छा है आप भी एक रिक्शा लीजिए और अपलाइन के पीछे पीछे जैसे एक रिक्शा चल रही है आप उस रिक्शा को चलाने की मेहनत की कष्ट करें, करते करते धीरे धीरे पैर ऑटोमेटिकली चलाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पीछे एक आदमी बैठ जाएगा, उसके साथ एक और बैठ जाएगा, देखा देखी दो रिक्शा और लग जाएंगी पीछे में और आपकी कारवां निकल पड़े। पर इस लेडी की तरह अगर आप निकलेंगे तो एक्सीडेंट ही होगा, वो जो दुपट्टा जिस तरीके से उड़ रहा है वो जहां फंसेगा ना तो गले में फांसी बनकर ही निकलेगा। सो ये याद रहे कि आपको क्या करना है, मैग्नेट बनिए। ये देखिए क्या मस्त बैठे हैं वो, आराम से बैठे हुए हैं और सब कोई चुपचाप चारों तरफ उनके आके बैठ गए देखने और पढ़ने की वो क्या पढ़ रहे। बॉडी लैंग्वेज देखिए उनकी, हम तो मरे कटे जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज एकदम माइनस में है, क्यों आपके साथ कोई बैठ के आपको सुने। पर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, स्मार्ट होते हैं, ड्रेस्ड होते हैं, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, सलमान खान से कम नहीं है, पेपर पकड़ के एकदम टनाटन पढ़ रहे और सब आके चुपचाप प्रॉस्पेक्ट अपने आप आके खड़े हो गए, भाग नहीं रहा कोई, चुपचाप आके खड़े हो गए। ये देखिए बी अ ट्रू लीडर, ट्रू प्रेजेंटर, क्या लिखा हुआ, ट्रू प्रेजेंटेशन ये है। आपको लीडर तो दिख ही नहीं रहा मोटरसाइकिल पे, आपको तो लीडर दिख नहीं रहा, वो इतना अच्छा लीडर है कि वो नहीं दिख रहा, उसने अपने कई लीडर्स तैयार कर लिए, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ साइड में, एक ने अपने बच्चे को भी ले लिया है और हर कोई बैलेंस करके उस गाड़ी में बैठ गया और लीडर नहीं दिख रहा। असली लीडर वही होता है जिसके लीडर्स नजर आते हैं और वो नहीं नजर आता। आप ही सारा दिन अगर आगे रहेंगे तो कैसे काम बनेगा, आप पीछे रहेंगे तो ही तो काम बनेगा, लीडर तो पीछे ही रहता है बस, दिखता नहीं है, लीडर के लीडर्स दिखने चाहिए। एक और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं फेलियर होगा तभी सफल होगा, रॉन्ग, फेलियर ही सफलता है, इट इज जस्ट फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। मरा 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 तभी निकलता है जब मरा बोलना शुरू करता है। ए फॉर एप्पल कितनी बार मम्मी सिखाती थी जब आप छोटे थे, आपकी मदर ने कितनी बार सिखाया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, अभी ए फॉर एप्पल स्टूपिड बाय हार्ट एप्पल। तो शुरू का फेलियर इज ऑलवेज सक्सेस बाद में, इट इज जस्ट सक्सेस इन प्रोग्रेस। कीप फेलिंग, कीप फेलिंग, कीप फेलिंग, कीप फेलिंग, मेरा फेवरेट स्लाइड, द टॉप 10 स्टेप्स टू सक्सेस, फर्स्ट ट्राई, हमेशा कोशिश करिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन कहते हैं कोशिश करने वालों की। नंबर टू, ट्राई अगेन, याद रहे पहली बार में ट्राई में नहीं होता काम, जो गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, रोटियां बनाते हैं, पहली बार में आप सफल नहीं हुए थे, कई बार करने के बाद सफल होते। ट्राई वंस मोर, ये वंस मोर तो हजार बार होना चाहिए। ट्राई इट अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट करिए, ड्रेसिंग और ठीक करिए, 3 मिनट को 1 मिनट करिए, जब 1 मिनट हो गया फिर संजय जी ने पुष्पा जी को कहा अब इसको 30 सेकेंड्स करिए। ट्राई इट अगेन टुमारो, अब यही प्रेजेंटेशन जब पुष्पा जी कल करेंगी जूम पे बहुत बहुत बेटर होगा, बहुत। ट्राई एंड आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगिए, घर में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके नेगेटिव हैं मोदी केयर में, उनको बोलिए मुझे प्लीज तुम अपना एक हेल्प कर दो ना, मैं एक प्रेजेंटेशन करूंगी करूंगा, प्लीज जरा बताना ना कैसा हो रहा है, बीच बीच में जरा पूछते रहो। सबसे खराब क्रिटिक के सामने जाके बैठ जाइए, वो इतनी वाट लगाएगा ना आपकी, इतना तंग करेगा आपको, जब तक आप उसकी प्रेजेंटेशन खत्म करके आएंगे ना आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा इस तरह की बाधाएं आएंगी मेरी प्रेजेंटेशन में। ट्राई टू फाइंड समबडी हुज डन इट,
अपने अप्लाई से पूछो यार तुमने कैसे किया था। वो जो टीचर है ना, जब भी जाता हूँ ना प्रेजेंटेशन करने, वो कैंसिल कर देती है मीटिंग। शुरू करता हूँ तो वो बोलती है ट्यूशन आ गई, मैं जा रही हूँ। मैं क्या करूँ, तुमने कैसे साइन किया उस लेडी को जो टीचर है, उनको पूछिए। ट्राई टू डिटर्मिन व्हाट इज नॉट वर्किंग, फीडबैक के लिए तैयार हो जाइए। अगर अपलाइन को सामने बिठाइए और बोलिए गुरुदेव मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ, मुझे बताओ क्या चीज गलत काम हो रहा है मेरा। ध्यान देख के पता करिए गलती कहाँ हो रही है। हम लोग पता है एम्ब्रॉयडरी करते थे बचपन में, तो कभी कभी नजर में पड़ जाता था या निटिंग, एक स्टिच ना एक फंदा गलत पड़ गया। बचपन में हम निटिंग करते थे, इतना बन गया, अब मम्मी बोलती थी नीचे में एक फंदा गलत है, ये देख पर गलत फंदा, क्या करे वो पूरा खोलो। पूरा खोल तू, महीने भर से बना रही हूँ तब नहीं दिखा आपको। बोली नहीं दिखा, अब दिख रहा खोल, नहीं तो एक फंदा उल्टा चल रहा है, तो अब पूरा खोलो देखो कहाँ गलती हुई और फिर से शुरू करो। करते करते फिर तो बिना देखे भी निटिंग होती थी हमसे। जस्ट कीप ट्राइंग, खाली कोशिश करते रहिए। ये मन जो है ना बहुत सॉलिड चीज है, जब इसको पता चल जाता है ना बार बार करना है, फिर वो बिना देखे। मेरे को संजय जी कितनी बार बोल चुके हैं, पता नहीं चलता मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ ना मैं कहाँ पहुंच गया बात करते करते, मुझे वो याद ही नहीं आता क्लच ब्रेक गियर एक्सेलरेटर, आई डोंट रिमेम्बर। मैं पहुंच जाता हूँ क्योंकि अब ये ऑटोमेटिक हो गया। हम जो लेडीज रोटियां बनाते हैं, मुझे तो याद भी नहीं आता कितनी बन गई, कब बन गई, कैसे बन गई। अरे बन गई नहीं रोटियां, अच्छा 15-20 रोटियां बन चुकी, क्या पता। जस्ट कीप ट्राइंग। संजय जी डू वी हैव 10 मिनट्स? संजय जी ओके हाँ मैडम, डू वी हैव 10 मिनट्स? Yeah, we have 10 minutes. Okay, so work smarter, not harder. आपको थोड़ा स्मार्ट काम करना है, हार्ड काम नहीं करना है। चाहे ऊपर में ना, चाहे वो अपलाइन हो डाउनलाइन हो प्रोस्पेक्ट, चाहे वो आपके घर वाले हो क्लोज हस्बैंड वाइफ हो बच्चे हो जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं या जो आपके विरुद्ध है या जो आपके बात को नहीं सुनते, तो पूछते हैं। कुछ करने की किसी को जरूरत नहीं है, चार पैर भगवान ने उनको दिए, वो जानवर नहीं बोल रही हूँ मैं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप उनके सामने गाछ रख देते, पेड़ रख देते हैं ना घास, तो वो चल पड़ते हैं। अब अपलाइन है, अगर आपको मालूम है कि अपलाइन को समोसे बड़े अच्छे लगते हैं, अब आप उनको बार बार बोल रहे हैं मेरा मीटिंग में आइए ना, मेरा मीटिंग में आइए ना, अपलाइन आ ही नहीं रहे। सबसे अच्छा तरीका सर कल गरम गरम समोसे, कल मेरी मीटिंग है ना उसमें गरम गरम समोसे लिखकर चाय अच्छी वाली, और मैंने सोचा है कि एक थोड़ा सा आइसक्रीम भी रख लो, तो आप आएंगे क्या सर? आपको क्या लगता है अपलाइन क्या बोलेगा? देखो मेरे पास टाइम तो नहीं पर मैं देखता हूँ मैं आ जाऊंगा। वो मीटिंग के लिए शायद ना आए, समोसों के लिए जरूर आ जाएंगे, खुशबू खींच के लिए आएंगे। अगर आपकी जो डाउनलाइन या प्रोस्पेक्ट है मेकअप करती है, तो उसको अगर आप बोलोगे ना कल ना मेकअप का सेशन है, मुझे तो मेकअप आता ही नहीं करना, समझ ही नहीं आता है, देख रही हूँ कोई आ जाए मेकअप के लिए, तुम ही अगर आ जाओगी तो तुम पे ही मेकअप करा देंगे, ठीक टपक लेगी, टाइम के 2 घंटा पहले ही आ जाएगी, बिना मेकअप करे आ जाएगी। कांच लटकाना सीखिए, पत्ता लटकाना सीखिए। 7 steps to success, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इनडायरेक्ट सेल्स। नंबर 1, फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को प्यार करना सीखिए। ये प्रोडक्ट्स ही हैं जो प्यार करने से आपके बनेंगे, ये प्यार की चीजें हैं। टेल एटलीस्ट 5 other people व्हाई यू लव द प्रोडक्ट, 5 लोगों से तो शेयर करिए प्रोडक्ट क्यों अच्छा लगता है, चाहे वो नेगेटिव ही हो बताओ तो सही उसको, 5 लोगों को दे दीजिए, प्लीज हेल्प मी, ये प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, प्लीज हेल्प मी, बताना इसका फीडबैक देना कैसा लगा। कंपनी का एग्जैक्ट कॉम्पेंसेशन प्लान 6 महीने तक उसके ऊपर काम करिए, खुद पे पहले काम करिए, धन वर्षा खुद करिए, FSP खुद करिए, अपने आप श्रीलंका क्वालिफाई करिए, फिर किसी और को बताइए। फाइंड योर फ्लो, अपना फ्लो ढूंढिए, आपको क्या करने से प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है, क्या बोलने से होता है। सबका एक ही इलाज नहीं है, चाहे वो टाइफाइड मलेरिया मीजल्स एक ही डॉक्टर, पर वो 5 अलग तरह की दवाइयों की नॉलेज रखते हैं। फाइंड योर फ्लो, क्या अच्छा लगता है, क्या आपके लिए काम करता है। सेट गोल्स, गोल सेट करिए, क्रिएट अ प्लान फॉर ग्रोथ, गोल सेट करिए। अच्छा बॉस ऐसा है मैं धनवर्षा करती हूँ अगले 4 महीने, तो मैं 3 और 2 5 और 1 1,500 1,500 2,000 3,000 पहले तो ये इकट्ठा करते हैं, इसको इकट्ठा करती प्रोसेस में अगर श्रीलंका का मैं लगा लेती हूँ काम, श्रीलंका भी कर लेते, पहले ये चुनना ना ध्यान से यही करते हैं सर, इसके बाद ना 10,000 का चेक निकाले, अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आप नीचे समझा रहे हो। FSP भी कर लिया, धनवर्षा भी कर लिया, श्रीलंका भी स्टार्ट कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरे एक लीडर को यहाँ पर जगन्नाथ जी, जिन्होंने जबरदस्ती श्रीलंका के लिए स्टार्ट मारा है, जबरदस्ती
नहीं हो रहा था, करना शुरू कर दिया, 3 महीने हो गए, कह रहे मैं करूंगा ही करूंगा, देखा जाएगा बाद में क्या कर रहे, पर मैं लग जाऊंगा इसमें। वाओ, लोग कहते हैं पहले टीम बना ले फिर सोचते हैं, कुछ लोग कह रहे पहले कर लेते हैं फिर सोचेंगे क्या करें, सोचना नहीं, लग जाने का। शेयर वर्चुअली विद सोशल मीडिया, आप अपने ना लिंक्स को शेयर करिए, आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां जहां सोशल मीडिया पे एक्टिव है वहां पे शेयर करिए। ये देखिए मेरी मम्मी, मेरी कामवाली का हाथ जला, इस पे मैंने टीट्री ऑयल लगा दिया है, और ये देखिए अगले दिन लेडीज एंड जेंटलमैन छाला नहीं पर। दिखाना शुरू करिए, दिखाइए, करिए, देखिए रिजल्ट आता है। ओम शॉप अपना खोलिए, देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं। फिर अगर आपने ये सारा कर लिया तो आपको मिल जाएंगे, अगर आपने एक मेरे को वीडियो शेयर करना है उसके पहले आपने अगर ये सब ध्यान से छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, अगर आप ये कर पाए तो आप सीता जी की तरह खुश रहेंगे वनवास में, और आप रावण की तरह, जो रावण बड़े गंभीर रहते थे ऑल टाइम, वो भी खुश रहेंगे। तो आइए देखते हैं सीता जी को। Give me a minute. Just give me a minute, ladies and gentlemen. आइए एक मजेदार वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। Enjoy. दिखाई दे रहा है? Yes, प्रेम। सीता जी को देखिए। वनवास में जा रही है क्या? खुश है? खुश। वनवास भी अगर आपको मिले, नेगेटिव भी कोई बोलेगा, तो आप सीता जी की तरह खुश रहेंगे, क्योंकि आपके खून रगों में भेड़ का खून दौड़ रहा है। और अगर आप खुश, तो चलिए एक और को देखते, फिर उसको भी क्यों छोड़े हम। अच्छी में है ना, टेक सेवी होना पड़ेगा, बहुत ही प्रॉब्लम। ये मेरा फेवरेट है, मस्त है बिल्कुल। And so we see Mr. Ravan in action. दिखाई दिया? So अगर आप अपने normal track पर हैं, आप correct हैं, पतले होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये चाहिदा, तो आप सीता जी की तरह वनवास में भी खुश रहेंगे। जितनी बार लोग ना बोलेंगे, जितनी बार आपको इग्नोर करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, आप खुश हैं, वनवास जाना है मैं तो खुश हूं। और अगर आप खुश हैं तो रावण जो हमेशा ही रॉन्ग परिस्थिति में रहते थे, उसकी तरह भी आप डांस कर पाए। इट जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ मेंटल सेटअप एंड थिंग्स आर ग्रेट। With that, thank you so much. आशा करती हूँ कि आज कुछ शायद आपको मिला होगा, कुछ help, कुछ थोड़ा सा tips जो आपके काम आ जाए। And I would like to invite मेरे गुरु, मेरे upline संजय बगड़िया जी। इस बिजनेस में कैसे सक्सेस आपका हाथ के मुट्ठी में आ जाएंगे, ये डिटेल्स जानकारी करने के लिए फोन नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस चैनल के जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल यू, थैंक्स टू ऑल।